आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम आज खत्म कर रहा हूं मैं। तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से आज 6 तक के हो गए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 से आज शुरू कर रहा हूं। 7 8 9 10 11 और दो तीन एग्जांपल्स हैं, तो आज वर्ड प्रॉब्लम सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक एक्सरसाइज और आएगी, वो मैं अगली क्लास में करूंगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अच्छा, पहले इसका मतलब समझ ले हम लोग। तो दो नंबर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हम जो बात कर रहे थे कि दो रिलेशन या दो नंबर आपके पास, जो दो वेरिएबल आप जो लेके चलोगे, तो दो वेरिएबल में क्या करना होता है कि आपको मतलब या तो आप एक में लेके चलो, या तो आप दो वेरिएबल कब लेना पड़ता है जब आपके पास में कोई रिलेशन वगैरह नहीं दिया हो। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री है, तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता हमारे पास, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स और सेकेंड नंबर बी आपने लिया वाई। और एक और चीज करना पड़ेगा जहां पर आपको बताना पड़ेगा एक्स वाई से बड़ा है, क्योंकि आपका डिफरेंस हमको लेके चलना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ये मेरे पास में आया। दिस इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। चिंता वाली कोई बात नहीं, यदि आप वाई ले भी लेते हो तो बाद में रिप्लेस होके वो सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। आगे द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। आगे द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ये इसका जो कहने का मतलब है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब देखो, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब कौन सा लिया मैंने, x लिया, तो x का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स ऑफ कितना y है, ये सेकंड इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो जब आप दो वेरिएबल लेके चल भी रहे हो, मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल आप लेके चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन बनेगी, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लो। तो ये x स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, तो दिस विल बी 8y माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ आप, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो ये आपका उधर जाएगा। तो दिस बी y का स्क्वायर माइनस ऑफ 8y एंड प्लस ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका कर लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 180 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग फटाक से। तो 180 के फैक्टर जहां मुझे बीच में कितना 10 और 8 ले लेते हैं, ओवरऑल है 10, 8 जा 80, नहीं एक बार देख लेते हैं, 180 चाहिए और 8 चाहिए, एक बार निकाल देते हैं। दिस इज 290 जा, देन 245 जा, देन 315 जा, देन 5 जा एंड 5 1 जा, बीच में कितना चाहिए मुझे, 8 चाहिए। तो आप ले लो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 5 नहीं 8 ही नहीं आ रहा बीच में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो ये आपका इससे तो निकलेगा नहीं, तो आप ग्रुपिंग करके ट्राई कर लेंगे, ग्रुपिंग करके ट्राई करेंगे। तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5। तो आप ग्रुपिंग हमेशा ट्राई करा करो, पहला फर्स्ट नंबर और ये दूसरा नंबर, इन दो को ले लो, ये कितना निकला 5 2 जा 10 और ये कितना निकला आपका 18। तो देखो उसको माइनस करके आपका 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके आपका 180 आ रहा है, तो फैक्टर आपका बन गया। तो इसके अंदर आप एमटीएस कर लीजिए, दिस इज खुद करना है। आई थिंक इक्वेशन बना के इतना ही कर देता हूँ, बाकी टाइम बचाए क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में है। क्वेश्चन नंबर 8 4.3 का, ये द ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड है, अच्छा ये मोर आ रहा है ना, मोर तो लेस मोर वाले क्वेश्चन मैंने एक टॉपिक बनाया था पिछले एक्सरसाइज में भी आया था। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा कौन सा, लेस एंड मोर वाले, लेस एंड मोर वाले, जहां पर लेस और मोर आपका क्वांटिटी होता है वो उस टाइप की वैरायटी है। तो हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, और दो केस हम बना लेते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो ये आपके पास में हो गया केस वन और ये आपके पास में हो गया केस नंबर टू। चलिए अब इसमें देखते क्या बोल रहे हैं, ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस आपका कितना निकला 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म, द स्पीड हैज 5 किलोमीटर मोर। तो पहले वाले केस में आपने एक्स रख लिया
और दूसरे वाले में आपने कितना कर लिया, 5 स्पीड बढ़ा दिया आपने, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो यहाँ पर टाइम कितना निकलेगा, दिस विल बी 360 डिवाइडेड बाय एक्स, और ये भी कितना निकलेगा, 360 डिवाइडेड बाय आपका निकला एक्स। अच्छा डिस्टेंस दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अब ये डिस्टेंस आपने टाइम निकाल लिया, दिस इज टाइम टी वन और ये टाइम टी टू। अब इसमें देखिए केस वन केस टू में क्या बोल रहा है हमारे पास, कि ट्रेन की स्पीड आपने 5 बढ़ा दी है, मगर आपने जो दो स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन तो मान लीजिए फिलहाल दिल्ली से बॉम्बे जा रही है, तो स्पीड भले आपने क्या कर दी, बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ाने से ये नहीं होगा कि बॉम्बे थोड़ा खसक के आगे आ जाएगा, तो वो डिस्टेंस आपका दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। अच्छा अब एक और चीज यहाँ पर फॉर्मूला में लिख देता हूँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर कितना निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो मैंने वही करा, यहाँ पर ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड और यहाँ पर आपका कितना निकला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर लेस और मोर वाले हैं, तो ये जो स्पीड जहां पे बढ़ रहा है ये वाला आपका हो जाएगा लेस, और ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारे पास में मोर। अब मोर मतलब कितना, उसने टाइम शायद बोला है, डिफरेंस कितने का बोला है, 1 आवर लेस बोल रहा है, तो 1 घंटे का आपका डिफरेंस आया, तो 1 घंटे का डिफरेंस आया, 1 आवर का लेस आया, तो 1 आवर आप 1 जो आएगा। अब मान लीजिए आपके पास में ये 5 घंटे है, ये 4 घंटे है, ये ज्यादा टाइम लगा रहा है, ये कम टाइम लगा रहा है, बिकॉज स्पीड बढ़ा दी आपने, तो आप 5-4 करके 1 करोगे या 4-5 करके 1 करोगे, तो बड़ा आपके पास ये मोर वाला है, तो मोर आपके पास में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने क्या बोला, 360 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 360 डिवाइडेड बाय दिस विल बी एक्स प्लस का 5, और इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना निकला आपका, 1 आया। तो ये तो बन गया हमारे पास में इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। इसका पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, दिस इज एक्स इनटू में एक्स प्लस का 5, तो दिस इज 360x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 5 6 30, 3 कैरी 5 3 15 और 18, एंड माइनस का 360 ऑफ x, ये दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू निकला 1। क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहां पे कर दो उसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको इक्वेशन मिली x स्क्वायर, दिस विल बी x का स्क्वायर प्लस का 5x, और इज इक्वल टू यहां कितना बचा मेरे पास, 1800। तो दिस इज योर 1800। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, प्लस का 5x माइनस का 1800 is equal to 0। फिर आप इसमें क्या करें, फैक्टर बना के ट्राई कर ले, नहीं मिले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपके पास में ऑप्शन में होता है। तो 1800 का फैक्टर मैं बना लेता हूं, वैसे 18 में आप 18 देखें, 9 2 18, 6 3 18, 6 3 9 2, ये देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट, फैक्टर बना के देखते हैं, दिस इज 2, 900 is a 2, 450 is a 2, 225 is a, ठीक है, अगला 3 7 is a 21, 35 is a 3, then 25 is a, then 5 5 is a, और ये निकला 5 1 is a, ठीक है। चलो पहले डाउन द स्टेयर देख लो, 2 2 is a 4, कट 450 से नहीं आ रहा, 2 2 is a 4, 8, 5 से दिमाग में 5 रखना आपने, ध्यान रखना, 2 2 is a 4, 2 is a 8, 8 8 3 is a 24, 24 का 75 से नहीं आएगा, 2 2 is a 4, 2 is a 8, 8 9 is a 72 का, नहीं इसमें तो खैर नहीं बना, आप क्या कर लें, ग्रुपिंग करके देख लेते हैं जल्दी से, तो 2 into 2 into 2 तीन बार है, फिर 3 into 3 है, और 5 into में 5 है, तो आपके पास में क्या करना है, आप ग्रुपिंग करके इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ग्रुप कौन सा बनाया आपने, 5 और 2 ले लिया हमने, 10 10, मगर क्योंकि 5 है तो ये डिफरेंस आपका जो आएगा ये दो बराबर के नंबर लगभग होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा बड़ा नंबर ले, यहाँ से 5 ले लीजिए, यहाँ से आप कितना ले लीजिए, दिस इज योर 4, तो दिस इज 4 5 20, और बीच में कितना बच रहा है मेरे पास, ये देख लीजिए, दिस इज 9, 9 5 45, 45 into 2 90, 20 नहीं आ रहा, ठीक है, आगे देखते हैं, ये ग्रुप नहीं बना तो दूसरा ग्रुप ट्राई कर लेते हैं, दूसरा थोड़ा सा बड़ा नंबर मैंने बोला लेने के लिए, आप यहाँ से 5 ले लीजिए और यहाँ से आप ये 8 ले लीजिए, तो 8 5 का कितना निकला 40, और 9 5 का 45, 45 90, यहाँ 5 आ रहा है, तो फैक्टर आपका बन गया, क्या फैक्टर बना भैया यहाँ पे, ये निकला 9 5 45 और इंटू ये कितना निकला 40, ठीक है 5 आएगा, बाकी काम आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, टू वाटर टैप्स, दिस इज टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक, देखो ये दो वाटर टैप्स हैं बोल रहा है हमारे पास, ये मैं या इसको ऐसा ना बना के वाटर टैप ही बना देता हूँ, मैंने इसको पाइप बना दिया, तो वाटर टैप आपने इस तरह से बना दिया, ये एक वाटर टैप हो गया,
और दूसरा ये आपका एक और वाटर अटैक हो गया। तो एक का डायमीटर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, एक का डायमीटर थोड़ा छोटा है। तो टू वाटर्स टैप कैन टुगेदर फिल टैंक इन दिस इज टुगेदर, दोनों यदि मिला के मैं करता हूं तो दिस इज 9 8 9 3 upon 8 hours, ये आपका देख इतना हमारे पास इसका लग रहा है टाइम, दोनों साथ में लगे। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, इसको 10 आवर कम लगते हैं। तो यहाँ पर आप x ले लो और यहाँ पर कितना ले लो आप y, मत लेना यहाँ पर मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है, तो जब रिलेशन दिया हुआ है तो y लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज y ले सकते थे आप। चलो तो इसमें आपका x आवर लग रहा है, उसको इसमें लग रहा है टाइम। तो आगे बढ़ते हैं, फाइंड सेपरेटली सेपरेटली हम उसको लिख लेते हैं, चेक में शुरू करते हैं पहले। तो लेट टैप इसका नाम रख लेते हैं टैप ए, इसका नाम रख लेते हैं टैप बी। तो लेट करते हैं हम टैप ए टेक्स टेक्स एक्स आर टू फिल द टैंक सेपरेटली, सेपरेटली मतलब यदि वो अलग से अकेला ही चल रहा है तो अकेले वो एक्स घंटे में क्या करता है, कंप्लीट करता है। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दूसरा जो है लार्जर वाला टैप है, टैप बी जो है ये कितना ले रहा है, दिस इज टेक्स एक्स माइनस का 10 आर टू फिल द टैंक, एक्स माइनस टेक आर टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो इसका जो टाइम मेरे पास में है वो कितना दिया हुआ है, दिस इज एक्स माइनस का 10 आर आपके पास में ये है। तो लेट द टाइम, इसमें थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा, लेट द टैप ए टेक्स टाइम लिख लीजिए आप यहाँ पे, टेक्स टाइम टू फिल द टैंक एक्स आर, और यहाँ पर भी आप लिख लीजिए टाइम या फिर आर जो भी हम यहाँ लिख लें, टाइम जो ले रहा है तो फिल द टैंक ही आपका हो गया, तो टैंक हो गया। अच्छा आगे, तो टैप ए टेक्स टाइम फिल द टैंक सेपरेटली एक्स आर, टैप बी आपका इतना ले रहा है, और टोटल टाइम जो हमारे पास है तो टोटल टाइम मतलब व्हेन टुगेदर, जब मैं दोनों को साथ में लेता हूं तो ये कितना ले रहा है, दिस इज 9 8 72, तो 72 तो ये निकल गया 75 upon 8 hours। तो ये तो खैर क्वेश्चन अभी हमने लिया, तो अब इसमें इक्वेशन कैसी बनेगी आपको वो देखना है। तो लेट्स फाइंड आउट क्या करें कोशिश। तो बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इन दोनों को प्लस करके आप ये कर दो, फिर वही बात की गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होगा, इसमें यूनिटरी मेथड आपको लगानी पड़ेगी। तो यूनिटरी मेथड में लगा देता हूं, तो दोनों ही मैं केसेस में यूनिटरी मेथड लगा देता हूं। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, दिस इज एक्स आर इज इक्वल टू वन टैंक, मैं पहले ले रहा हूं फॉर फर्स्ट वाले टैंक के लिए। तो वन आवर में कितना निकला, दिस इज 1/x पार्ट ऑफ द टैंक, एक घंटे में ये कितना पार्ट भर रहा है, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक आपका भर रहा है, मगर ये एक घंटे में इतना पोर्शन टाइम का कंट्रीब्यूट कर रहा है, मगर जब साथ में चलेगा तो कितना चलेगा, 75 upon 8 hours चल रहा है। तो देयरफॉर यदि एक घंटे में इतना, तो 75 upon 8 यदि ये साथ में चलेगा तो अपना कंट्रीब्यूशन कितना लगाएगा, 75 upon 8 into x लगाएगा, तो 75 into 1/x आप अलग से रख लीजिए। तो ये निकला कौन सा वाला, कि यदि साथ में चलेगा तो टैंक ए ने जो या टैप ए ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, this is for tap A, और दूसरा वाला मैं कौन सा ले रहा हूँ, this is for tap B, जो दूसरा वाला tap है वो आपका कितना लेगा, वो आपका यहाँ पे। tap B का हम ले लेते हैं, tap B का हमारे पास में है x minus 10 hour is equal to में एक पूरा टैंक आपका भर रहा है। अच्छा मगर जब साथ में चलेगा तो कितना, पहले 1 आवर का निकाल लेते हैं, तो 1 आवर में कितना निकला, दिस इज 1/ में x minus of 10 पार्ट ऑफ द टैंक आपका फिल करेगा, ठीक है। अब एक घंटे में आपका ये इतना भर रहा था, तो जब साथ में कंट्रीब्यूट करेगा तो 75 upon 8 hours में, तो 75 upon 8 into 1/x - 10, तो ये कौन सा निकला मेरे पास, ये निकला दूसरे वाले टैप का कंट्रीब्यूशन। अब देखो क्या, ये जो है ना मेरे पास में ये कंट्रीब्यूशन जो आपके पास आया, ये पहले जब साथ में चल रहा है तो पहले वाले टैप ने इतना भरा, दूसरे वाले टैप ने जो भरा था उसने इतना भरा, तो इतना भरा और दोनों ने मिला के कितना भरा, आप इस तरह समझ लीजिए कि पहले ये एक पिज़्ज़ा जो है हमारे पास, ये अलग हमारे पास अलग अलग, पहले इसको मतलब इसके अंदर आप इसमें ऐसे पोर्शन लगा लीजिए, अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें भी आपके पास अलग अलग पोर्शन है,
दिस इज योर पिज्जा। तो पहले आपके पास में जो पहला वाला बंदा, यहाँ दो बंदे ले लेते हैं ए और बी, आपके पास दो बंदे ले लेते हैं, ए है और ये आपका बी है। तो पहले ये ए अकेला इसको खा रहा था और बी भी अकेला इसको खा रहा था। अब हमने क्या कर लिया कि दोनों को साथ में बिठा दिया, दोनों क्या कर रहे हैं इसको साथ में खा रहे हैं। तो दोनों साथ में खा रहे हैं, तो मान लीजिए ए ने खाया इसका मान 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस के 8 इक्वल स्लाइसेस हैं। तो मान लीजिए ए ने खाया इसका 3/8, तो इसलिए बी कितना खाएगा बताओ भैया, 5/8 ही खाएगा बचा हुआ पार्ट। तो ये दोनों का जो साथ में काम हो रहा है, तो ए ने इस पिज्जा का 3/8 फ्रैक्शन खाया, तो बी ने कितना खाया बचा हुआ खाएगा, दैट इज 5/8। अल्टीमेटली दोनों को मिला करके आपका क्या आएगा, दिस इज वन पिज्जा। तो ये वन पिज्जा दोनों मिला के एक पिज्जा खा रहे थे। यहाँ पर क्या, दोनों टैंक जो है, दोनों टैंक जो साथ में चल रहे हैं, तो साथ में इसको इतना चलाया, इसको इतना चलाया, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, इज इक्वल टू वन पिज्जा। वन पिज्जा नहीं आएगा, वन टैंक आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वन। देखो इसमें जो मेरे पास, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया या ये जो मैंने समझाया आपको अभी, इसको पहले तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज ये आपका निकला 75/8x प्लस 75/8 ब्रैकेट में दिस विल बी x माइनस का 10 और इज इक्वल टू कितना दे रहा है मेरे पास, ये वन आया। अब दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू वन आया, क्योंकि दोनों ने मिल के साथ में काम किया और वन टैंक कंप्लीट इसने भरा है, वन टैंक कंप्लीट भरा है, तो ये आपका आएगा। तो ये मैंने यूलर मेथड से प्रॉपर एक बेसिक बताया कि इक्वेशन बनी कहां से, बट नॉर्मली क्या होगा, आप कहीं भी इसका सॉल्यूशन वगैरह देखोगे या कहीं और आपको ऐसा मिलेगा, तो ये क्या करेगा, 1/x और 1/x माइनस 10 और इज इक्वल टू कितना, ये देखो 75/8 इज इक्वल टू कितना, 8/75। तो ये डायरेक्टली आप यहां से ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, मगर रेसिप्रोकल होगा आपका, ध्यान रखना। तो मैंने इसको मेथड के थ्रू बताया, एंड मेथड के थ्रू कि किस तरह से इज इक्वल टू वन आएगा, बट डायरेक्टली आपको और कहीं सॉल्यूशन में मिलेगा तो आपको सीधा ये मिलेगा। तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, इसका कितना बन रहा, ये कितना टाइम लगा रहा अकेले में एक्स, और ये कितना एक्स माइनस 10, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल और प्लस में इसका रेसिप्रोकल, ये इन तीनों के रेसिप्रोकल यदि आप कर दो, मतलब इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल, तो इन दोनों के रेसिप्रोकल को ऐड करके डायरेक्टली आप ये लिख लो तो ये भी चलेगा। मगर मुझे बताना था कि ये चीज आई कहां से, इसलिए मैंने आपको इस वे में करके बताया, ठीक है। आगे हम इसमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए मैं फैक्टर बना देता हूं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाना पड़ेगा पहले, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, उसके बाद इसके फैक्टर आप लोग बना लेना। चलो सर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, दिस इज x माइनस 10 प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ये दोनों हो गया आपका 2x, 75 का मल्टीप्लाई करा तो 75 × 2 = 150x और माइनस का 750 माइनस का इस मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर और माइनस का 80x। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 8x का स्क्वायर, 80 और 150 दोनों नेगेटिव है तो 230 आ जाएगा, दिस इज 230 ऑफ x और प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। पहले तो 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा एंड माइनस का 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 115 और प्लस यहां 2 से डिवाइड करो 2 3 जा 6 2 7 जा 14 और 1 2 5 जा 15 और इज इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, दिस इज योर इक्वेशन। अब इसमें आपको या तो आप कौन सा मेथड यूज कर लोगे, या तो फैक्टर मेथड, मैं एक बार करके इसका दिखा देता हूं प्राइम फैक्टर, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो तो इसका मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 375 का 4 में करोगे तो आपका 750 का डबल इज 750, आप कर लो 4 5 जा 20 2 के 1500 आएगा, वैसे तो 1500 आएगा, यस इट इज 1500। 4 5 जा 20 2 कैरी 428 और 230 3 कैरी आया, 4 3 12 12 और 5 हां 1500 आया, क्योंकि 750 का डबल कर दिया मैंने। चलो फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 750 जा 2 375 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा देन 5 25 जा एंड 5 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। चलो डाउन डस्ट चेयर करके देख लेते हैं, पहले 2 2s 4 3s 8 8 नहीं 2 2s 4 4 3s 12 12 और 125 का बैठेगा क्या, नहीं 113 आएगा, थोड़ा सा मिस हो गया, 115 चाहिए मुझे, तो आगे आगे नहीं बनेगा। चलो लेट्स ग्रुपिंग एक बार फिर से देख लेते हैं,
तो ग्रुपिंग में आप क्या कर लीजिए, दिस इज 2 इनटू 2 इनटू 3 इनटू 5 इनटू 5 इनटू में 5, ठीक है। तो पहले फिर मुझे यहां से मैं लेता हूं 5 25 25 फॉर द 100 और ये कितना बीच में बचा मेरे पास 15 आ गया ठीक है। ये 25 फॉर द 100 100 इनटू 15 तो कितना निकला फैक्टर मेरे पास 100 और 15 ये दो फैक्टर निकल गए, इसको प्लस करके 115 आएगा और आप मल्टीप्लाई करके आपको 1500 मिल जाएगा। चलिए फैक्टर्स आप निकाल लेना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एन एक्सप्रेस ट्रेन वर आर लेस, अच्छा जहां भी आपको लेस या दिख जाए ना लेस साथ में मोर भी दिखेगा तो आप समझ लेना लेस मोर वाला क्वेश्चन। लेस मोर वाला क्वेश्चन में मतलब केस वन बनेगा केस टू बनेगा और लेस और मोर करके आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आप पहले से समझ लो। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है सेम है आई थिंक इट्स सेम बट फिर भी मैं इक्वेशन फॉर्म कर दूं आपके पास। वन आवर लेस डिस्टेंस मैसूर और बैंगलोर है टाइम टेकन तो एवरेज स्पीड इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, अच्छा तो ये आपने लिया स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम ये हमारे पास दो केस, स्पीड आपने लिया एक्स और स्पीड बाद में कितना बोल रहा है लास्ट के लाइन में स्पीड इज 11 किलोमीटर मोर, आपने स्पीड आपने कितना बढ़ा दिया 10, डिस्टेंस आपका मैसूर के और इसके बीच में है 132 किलोमीटर और ये भी मैसूर और बैंगलोर 132 किलोमीटर ठीक है और एक घंटा कम लग रहा है तो टाइम यहाँ कितना निकलेगा। ये सेम क्वेश्चन कुछ लग रहा है क्या पता नहीं, डिस्टेंस कुछ सेम लग रहा है मुझे, एक्स प्लस का 10 था इसके पहले वाले में 360 किलोमीटर था ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 और 11 सेम ही है, 8 और 10 लगभग सेम है आपके पास ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम कितना लग रहा है एक घंटा कम लग रहा है तो एक घंटा कम लग रहा है तो दिस इज योर केस नंबर वन और ये आपके पास में निकला केस नंबर टू। देखो क्या होगा कि यदि आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो एनसीईआरटी हाथ में होना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात कि सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को मैं तो समझा दिया मैं तरीका, मतलब जब तक आप खुद रीड नहीं करोगे क्वेश्चंस को तो ये क्वेश्चन समझ में लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो रीड करना और प्लस क्वेश्चन लिखना भी जरूर फर्स्ट काम आपके पास है। क्वेश्चन जब भी आप करो तो पहले क्वेश्चन पूरा लिख लो उसके बाद में इसका आंसर समझ में आएगा आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वन आवर लेस है तो ये देखो ये मोर है तो ये वाला कौन सा लेस, ये उल्टा होगा, ये वाला मोर था तो ये लेस होगा और ये वाला कौन सा होगा ये वाला आपके पास मोर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना निकला 132 अपॉन एक्स माइनस का 132 अपॉन x प्लस का 10 और इज इक्वल टू कितना एक घंटे का डिफरेंस आ रहा है। बाकी वही काम है, एक बार मैं फिर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके फैक्टर बना देता हूँ तो 132 x प्लस 130 माइनस का 132 x इक्वल टू x का स्क्वायर एंड प्लस का 10 x ये दोनों कैंसिल तो इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस 10 x एंड माइनस का 130 इज इक्वल टू 0। अब मैं खुद कर लेना इसके बाद फैक्टर भी नहीं बनाना, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। चलो 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 तो दो स्क्वायर है, ये पहला स्क्वायर और ये दूसरा स्क्वायर, इन दोनों के एरिया का जो सम है वो दिया हुआ है कितना दिया है 468। देखो एरिया का सम में फिर वही बात है कि यहाँ पर जो इसका एरिया आप इसकी साइड को रख लीजिए आप एक्स और इसकी साइड को वाई रखना पड़ेगा बिकॉज कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप देखो कोई मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं यहाँ पे कि आपको y लेना y को अवॉइड कर सको तो y तो आपको लेना पड़ेगा। तो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट जो आपके ने स्क्वायर लिया है उसकी साइड आपने ली x है और जो आपने सेकेंड वाला स्क्वायर लिया है उसकी साइड y है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ देयर एरिया और एरिया का मामला आपको पता है एक्स स्क्वायर और ये इसका कितना हो गया वाई स्क्वायर। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज कितना दिया है थोड़ा क्वेश्चन में दिया 468 तो ये आपके पास में हो गया 468 ये बनी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। मगर जब दो वेरिएबल लोगे तो दूसरी वाली भी आपके पास बनेगी। आगे बोल रहा है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 पेरीमीटर तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका पेरीमीटर कितना निकलेगा, इसका पेरीमीटर निकलेगा 4x और इसका निकलेगा 4y, दिस इज पेरीमीटर। तो 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू में 24, इसको 4 से डिवाइड कर लो आप तो x माइनस का y इज इक्वल टू 4 6 24 तो ये क्या निकला मेरे पास, दिस इज x माइनस का y इक्वल टू में 24।
अब आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई, तो इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आप दो वेरिएबल भले ले लो मगर इसकी तकदीर में, इसकी किस्मत में क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक बनना। तो आप यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू को, x is equal to 6 plus y, और यहां पे आप इसको पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो दिस इज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468, और x की जगह आप कितना पुट कर दीजिए, 6 plus y का होल स्क्वायर और n plus y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468, तो दिस इज 36 plus y का स्क्वायर प्लस 12y n plus y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब आप इसमें कुछ कट, अच्छा ये मैंने क्या करा, दिस इज द आइडेंटिटी, a plus b का होल स्क्वायर से लगाया मैंने, तो ये 2 ऑफ y का स्क्वायर एंड प्लस में 12y, और आप 36 और इसको सबट्रैक्ट करो, 8 में 6 गया दिस इज 2, 6 में से 3 गया तो दिस इज 3, 432 माइनस का इज इक्वल टू 0। हाँ जी सर, 432 आएगा, आप इसको इधर शिफ्ट करके मैंने माइनस किया है, ठीक है, 432 माइनस का आएगा, यस, एंड दिस विल बी योर स्टैंडर्ड फॉर्म। मगर इसमें एक काम और क्या करना, हमेशा मिडिल ऑपरेशन करने से पहले आप देखना इसको छोटा कर सकते हैं क्या, हाँ, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो दिस इज वाई का स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लो, अब देखो यहाँ पर 1 है तो मैं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई थोड़ी करूंगा, डायरेक्ट 216 का ही फैक्टर निकालूंगा मैं, तो 216, ये भी आप करो ट्राई, खुद निकल जाएगा, छोटा नंबर है, कोई ज्यादा कुछ नहीं, और ना निकले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमारे पास है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं होता कंपल्शन। अच्छा सीएसएम सिर्फ एक बेसिक मैंने बताया, सीएसएम आप लोग सोच रहे हो सीएसएम ट्राई कर सकते हैं क्या, कर दोगे तो गलत नहीं होगा, वैसे सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, हटाया मतलब ये थोड़ी बोला कि ये गलत हो गया, वो अभी भी है, आप कर दोगे तो गलत नहीं होगा, बट हाँ सीबीएसई में इसको हटा दिया गया है, बट आप इसको कर सकते हैं, सीएसएम से भी ट्राई करोगे तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12 है, हालांकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एग्जाम्पल नंबर 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 लेस देन इट्स लेंथ। तो रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका हुज डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 लेस देन लेंथ, तो आपने इसको x रखा और ये आपका x माइनस 3, ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं रीड भी कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल विद द बेस एज अ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो मैंने ये ब्रेथ को पकड़ा है, ये ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ को पकड़ के इन्होंने क्या करा, एक और ट्राइंगुलर पार्क बनाया, आइसोसेलस ट्राइंगुलर पार्क बनाया, तो ये एक्सटेंशन है पार्क का, एक और एक्सटेंशन दिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम मत देखना या सॉल्यूशन मत देखना, समझ में नहीं आएगा, तो ये इसकी ब्रेथ हमारे पास x माइनस 3 होगी, तो ये उसने क्लियरली मेंशन किया है कि जो ट्रायंगुलर पार्क बना है टेकिंग बेस एज अ ब्रेथ, तो ब्रेथ को अब मैं इधर भी एक्सटेंड कर सकता था या फिर इधर भी एक्सटेंड कर सकता था ब्रेथ को, मगर लेंथ पे मत आप एक्सटेंड कर लेना, ठीक है, ये इसने बोला है। अच्छा अब यहां पर दो मेरे पास है, एक तो रेक्टेंगल है और ये मेरे पास आइसोसेलस आइसोसेलस ट्रायंगुलर पार्क आपके पास में दिया है, तो ये बोल क्या रहा है, रिलेशन हमारे पास में है द एरिया इज 4 मोर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस, इसका जो एरिया है इसका एरिया रख लिया a1, इसका रख लिया a2, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जो एरिया है ये a2 से ये मोर है, ये मोर है मतलब कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो मैं इसमें ऐड करूंगा कि इसमें ऐड करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, तो ये बन गई इक्वेशन। अब आपको पता है कि a1 क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, a2 क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या निकलता है, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू में हाइट, और प्लस में कितना निकलेगा मेरे पास में, दिस इज द 4। आगे एक और चीज इसमें गिवन है, द ऑल्टीट्यूड इज 12, जो इसका ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट, जो इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो 12 है, दिस इज 12, तो ये आपके पास 12 गिवन है। चलिए आप बताइए भैया लेंथ कितना निकला इसका, x इनटू x माइनस का 3, ये आपका निकला 1/2, ट्रायंगल का बेस कितना है, ट्रायंगल का बेस है x माइनस 3, हाइट है 12 और प्लस में कितना कर दिया मैंने 4, तो देखो आपके पास ये कट रहा है 2 1 2 6। अच्छा अब ये ब्रैकेट ब्रैकेट खोलना शुरू करो, ट्रांसपोज करना शुरू करो, तो दिस विल बी x का स्क्वायर माइनस का 3x, दिस इज 6x माइनस 18 एंड प्लस का 4, तो x का स्क्वायर माइनस का 3x
माइनस का 6x, ये कितना बचा 14, तो इधर आके आपका हो जाएगा प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, ये x का स्क्वायर माइनस ऑफ 9x एंड प्लस का 14, बोलो फैक्टर क्या बने इसके, 7 टू का 14, तो ये 7 और 2 में आपका ब्रेक हो जाएगा, इसका फैक्टर बना के आप इसका आंसर निकाल लेना। एक और मिलता जुलता भी मैं हाथों हाथ ही ले ही लेता हूँ उसका, एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 17 है, थोड़ा थोड़ा आपका मैचिंग है, तो एग्जाम्पल नंबर 17 भी आपके पास है, वो भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, अभी आप लोगों वाला काम मैं कर रहा हूँ, जो आप लोगों से मैं करवाता था पहले रीडिंग, वो अब मुझे खुद करना पड़ रहा है। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन ए बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13, तो एक सर्कुलर पार्क हमने बना लिया, ये भी पार्क वाला क्वेश्चन हो गया, सर्कुलर पार्क। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री पे आपने कहीं पर भी एक आपने पोल, पोल मतलब बिजली का पोल जैसे होता है, उसको इरेक्ट, इरेक्ट वर्ड का मतलब इंग्लिश में हुआ कि किसी भी मैकेनिकल काम को करना, किसी चीज को बनाना बाय मैकेनिकल प्रोसेस, उसको बोलते हैं इरेक्शन, इरेक्ट करना मतलब बेसिकली पोल गार्डन, ठीक है। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री एंड द सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13, डायमीटर मैं पड़ोस में लिख लेता हूं, डायमीटर इज इक्वल टू 13, ठीक है। आगे इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेज, ये पॉइंट ध्यान रखो, डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, ये ए और ये बी, ये दो गेट हैं, ये दो गेट हैं और दो गेट आपस में डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, मतलब कि इस वाले गेट में और ये वाला गेट बिल्कुल आमने सामने है, बिल्कुल ना, बिल्कुल आमने सामने डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे, तो डायमेट्रिकली अपोजिट दो गेट हैं, उस गेट से जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पोल का यहां से और इस वाले का यहां से जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना 7 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में पढ़ के दिखाऊं, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। अच्छा ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 13, और ये मैं लिख दूं पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एपी क्या बोल रहा है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस एपी माइनस पीबी इज इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन गिवन है। चलिए अब यहां पर मेरे पास रिलेशन जो है दो चीज में दिया है कि x और y लेने की जरूरत है, या आप इसको रख लीजिए x और दूसरे वाले को कितना रख लेंगे, यदि आप एपी को, यदि आप इसको x रखते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 प्लस x हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे दिस इज x माइनस का पीबी इज इक्वल टू 7, तो एपी को आपने x रखा तो पी सॉरी उल्टा हो गया, ये x माइनस का 7 आएगा, तो x माइनस का 7 इज इक्वल टू पीबी आप ऐसा रख सकते हैं, ठीक है, दिस इज x माइनस का 7, तो x माइनस का 7 आपका आ गया। कुछ लोग इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि इसको x प्लस 7 ले ले और इसको आप x ले ले, तो भी आपका वही काम होगा, तो बात एक ही है, और इसको चलो मैं फिलहाल इस वे से कर सकता हूँ, सुहानी शायद आपको आप उसका उल्टा लोगे, मुझे मालूम है आप इसको लोगे x प्लस 7 और इसको आप कितना ले लोगे x, ये भी करेक्ट है भाई, ये भी करेक्ट है, मैं बता दूं, तो जिसको जैसा लगे ठीक वैसा ले लेना। कौन सा वाला करेक्ट है कि आप यदि चाहें तो इस मार्कर ग्रीन लेंगे, कोई बात नहीं, चलिए ग्रीन ले लेते हैं, यदि आप चाहें तो आप इसको x प्लस का 7 ले सकते हैं और ये आपका कितना होगा x, को भी आपका करेक्ट है, तो दोनों ही केसेस आपके करेक्ट होंगे, आप इसमें देख लीजिए। अब वो तो सब ठीक है, मतलब करना क्या है इसमें, आगे सॉल्व करना है, आगे इसमें सॉल्व करना पड़ेगा ये 90 डिग्री का एंगल बस, और 90 डिग्री का एंगल क्यों, 9th क्लास की ज्योरम याद करो, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो मैं रीजन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल is always कितने का होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री है तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं फिर से बोल दूं दोनों ही केसेस करेक्ट है, रेड वाले और ग्रीन वाले, तो मैं रेड वाला ले रहा हूं, दिस इज x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये मैंने क्या लगाया पाइथागोरस थ्योरम। या फिर आप ग्रीन वाला पोर्शन देखना चाहोगे तो कुछ बच्चे इसको ऐसा भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर,
अच्छा सेम आएगा, आप देख लेना, बिलीव नहीं हो तो मैं बोल रहा हूँ आपको सेम आएगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी इन दोनों में डिफरेंस 7 का है और यहाँ पर भी इसमें डिफरेंस 7 का, बस यहाँ पर ये यह हो गया कि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, इसमें ये वाला बड़ा हो गया ये वाला छोटा हो गया, और कोई अंतर नहीं, बाकी दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, एक्स का स्क्वायर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर माइनस का 14x एंड प्लस का 49 इज इक्वल टू 169, सो दिस इज 2x स्क्वायर, ये निकला माइनस का 14x, इसको आप शिफ्ट कर लो, माइनस का 120 बचना चाहिए और 2 से डिवाइड करना मत भूलना, ये कितना निकला एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, और फैक्टर क्या बन गया 12 और 5, तो आपका आंसर इससे आ जाएगा। क्वेश्चन को देख करके, अब जैसे मैंने क्वेश्चन बना दिया सॉल्व कर दिया, अब इसके लैंग्वेज आपको बोलना आना चाहिए, मैंने 9th क्लास से सिखा रखा आपको। तो क्वेश्चन क्या था, अ पोल इज इरेक्टेड एट द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 13 मीटर एंड द डिफरेंस ऑफ दिस पोल फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट इज 7 मीटर, देन फाइंड The distance of the pole from gates। ये क्वेश्चन आपके पास में, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह बनाना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन यदि मैं आपको बोलूं बनाने के लिए बोल के बताओ, तो ये इस चीज को देख के आपको क्वेश्चन बोलना है। पहले आप ये बताएंगे, the breadth of a rectangle is 3 less than the length, the breadth of a rectangular part is 3 less than its length, and if the area of the rectangle is 4 more than the area of an isosceles triangle made by taking the breadth as base of the rectangular part is 4 meter, then find the length and breadth। तो ये क्वेश्चन आपको जस्ट डायग्राम देख के क्वेश्चन बोलना आना चाहिए, और क्वेश्चन देख करके यदि आपको क्वेश्चन को पढ़ करके आप उसका स्टेटमेंट समझ के बना लो और बने हुए इक्वेशन को आप उसका क्वेश्चन बना लो, दैट मींस आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये सारे एग्जांपल्स वगैरह भी हो गए हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम तो अब बहुत हो गया, आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम इज नाउ इनफ। एक टॉपिक और रहता है जो मैं लूंगा एग्जाम्पल से अगली क्लास में, और उसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन हम कुछ लेंगे अगली क्लास में, वर्ड प्रॉब्लम वाला काम सारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर छोटा था, और इसके बाद में आई थिंक अल्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें आप लोग शायद मुझे बता रहे हो प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं क्वालिटी के बाद में शुरू करूंगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।